हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल। माईसेल्फ परमेश्वर सिंह क्लास। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एक्सरसाइज आंसर्स ऑफ लेसन 8 एंड लेसन नेम इज एनिमेशन इन पेंसिल 2D। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडिकेट्स द करंट फ्रेम दैट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्टेज। मीन्स करंट फ्रेम जो कि स्टेज पर डिस्प्ले हो रहा होता है उसे किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो इसका आंसर है प्ले हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टाइप्स ऑफ लेयर्स। मीन्स लेयर्स के कितने टाइप्स हैं। तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बटन इज यूज टू रिपीट द एनिमेशन इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स वह कौन सा बटन है जिसका प्रयोग किया जाता है एनिमेशन को इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करने के लिए। तो इसका आंसर है लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमेशंस इन पेंसिल 2D आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द। मीन्स पेंसिल 2D में एनिमेशंस किसकी सहायता से क्रिएट किए जाते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर लाइक मल्टीपल फिल्म स्ट्राइप्स स्टैक ऑन टॉप ऑफ वन एनोदर। मीन्स मल्टीपल फिल्म स्ट्राइप्स जो कि एक दूसरे के ऊपर रखी गई होती हैं उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है लेयर्स। सी, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्ले बटन इज यूज टू प्ले आर स्टॉप द एनिमेशन फ्रॉम द टाइम लाइन पैलेट। मीन्स प्ले बटन का प्रयोग किया जाता है एनिमेशन को प्ले या स्टॉप करने के लिए टाइम लाइन पैलेट से। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम्स कंट्रोल द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी। मीन्स फ्रेम्स मूवी के ड्यूरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैक कलर्ड फ्रेम इंडिकेट्स दैट द फ्रेम इज एम्प्टी। मीन्स ब्लैक कलर्ड फ्रेम ये इंडिकेट करते हैं कि फ्रेम एम्प्टी है। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनियन स्किन डज नॉट अलाउ यू टू सी सेवरल की फ्रेम्स। मीन्स ओनियन स्किन आपको अलाउ नहीं करता है कि आप कई की फ्रेम्स को देख सकें। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर्स आर ऑफ 6 टाइप्स। मीन्स लेयर्स 6 टाइप्स के होते हैं। तो ये फॉल्स है क्योंकि लेयर्स 4 टाइप्स के होते हैं। सी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, द टूल अलाउज द यूजर टू सी द फेंट घोस्ट इमेज ऑन द स्क्रीन। मीन्स वह कौन सा टूल है जो यूजर को अलाउ करता है कि वह स्क्रीन पर फेंट घोस्ट इमेज देख सके। ऑप्शन ए ओनियन स्किन, ऑप्शन बी रेड स्किन, ऑप्शन सी ग्रीन स्किन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओनियन स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू सेट द एनिमेशन स्पीड। मींस निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है एनिमेशन स्पीड को सेट करने के लिए। ऑप्शन ए FPS, ऑप्शन बी FBS, ऑप्शन सी FTS। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए FPS। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी। मींस वह कौन है जो मूवी के ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए फ्रेम्स, ऑप्शन बी लेयर्स, ऑप्शन सी टूल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल नेक्स्ट टू द लेयर नेम इंडिकेट्स दैट द लेयर इज इनएक्टिव। मींस वह कौन सा सर्कल है जो लेयर नेम के जस्ट बाद होता है और इंडिकेट करता है कि लेयर इनएक्टिव है। ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी पिंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ फ्रेम वेयर देयर इज अ चेंज इन द ऑब्जेक्ट। मीन्स वह फ्रेम जहां पर ऑब्जेक्ट में चेंज होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए फ्रेम, ऑप्शन बी की फ्रेम, ऑप्शन सी प्ले हेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी की फ्रेम। सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक वांट्स टू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल सीनरी इन डिफरेंट फ्रेम्स। मीन्स कार्तिक एक ब्यूटीफुल सीनरी ड्रॉ करना चाहता है डिफरेंट फ्रेम्स में, बट ही डज नॉट नो हाउ टू ऐड अ न्यू की। मीन्स एक न्यू की फ्रेम कैसे इंसर्ट करें उसे मालूम नहीं है। सजेस्ट हिम द राइट ऑप्शन टू फुलफिल द टास्क। ओके, तो उसे आप एक राइट ऑप्शन सजेस्ट करिए। आंसर, स्टेप्स टू इंसर्ट अ न्यू की। मीन्स एक न्यू की फ्रेम इंसर्ट करने के लिए स्टेप्स। स्टेप वन, ड्रैग द प्ले हेड टू द लोकेशन वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ फ्रेम। मीन्स आप अपने प्ले हेड को ड्रैग करिए उस लोकेशन पर जहां आप
एक फ्रेम इंसर्ट करना चाहते हैं। स्टेप टू, क्लिक ऑन द एड फ्रेम बटन इन द टाइमलाइन पैलेट। ओके, और फिर टाइमलाइन पैलेट पर जो एड फ्रेम बटन है उस पर क्लिक करिए। स्टेप थ्री, द न्यू की विल बी इंसर्टेड ऑन द टाइमलाइन, और इस तरह से न्यू की फ्रेम आपके टाइमलाइन पर इंसर्ट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से भी हो सकता है, ही शुड यूज एड फ्रेम बटन फ्रॉम द टाइमलाइन पैलेट, मीन्स उसे एड फ्रेम बटन का प्रयोग करना चाहिए टाइमलाइन पैलेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि हैज ड्रॉन अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ अ क्लाउडी डे, मीन्स भूमि एक क्लाउडी डे के ब्यूटीफुल सीन को ड्रॉ की है। सी हैज ड्रॉन क्लाउड्स इन डिफरेंट फ्रेम्स एंड वॉन्ट्स टू शो देयर मूवमेंट इन द स्काई, और वह क्लाउड्स को डिफरेंट फ्रेम्स में ड्रॉ की है और उनके मूवमेंट को स्काई में शो करना चाहती है। बट फॉरगोट द ऑप्शन टू परफॉर्म दिस एक्शन, लेकिन वह इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑप्शन भूल गई है। हेल्प हर टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेम, और फिर आप उसे हेल्प करिए करेक्ट ऑप्शन चूज करने में इस कार्य को परफॉर्म करने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी शुड यूज प्ले बटन। ओके, तो उसे यूज करना चाहिए प्ले बटन का। सी, राइट द फंक्शन ऑफ ईच बटन ऑफ कंट्रोल पैनल इन द टाइमलाइन, मींस टाइमलाइन के कंट्रोल पैनल के प्रत्येक बटन्स के फंक्शंस को राइट करिए। फर्स्ट, स्टार्ट बटन, दिस बटन इज यूज टू मूव द एनिमेशन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मींस स्टार्ट बटन का प्रयोग किया जाता है एनिमेशन को स्टार्टिंग पॉइंट पर मूव करने के लिए। नेक्स्ट, प्ले बटन, दिस बटन इज यूज टू प्ले और स्टॉप द एनिमेशन। ओके, प्ले बटन का प्रयोग किया जाता है एनिमेशन को प्ले या स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट, एंड बटन, दिस बटन इज यूज टू टेक द एनिमेशन टू द एंड पॉइंट। ओके, इस बटन का प्रयोग किया जाता है एनिमेशन को एंड पॉइंट पर ले जाने के लिए। नेक्स्ट, लूप बटन, दिस बटन इज यूज टू रिपीट द एनिमेशन इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, मीन्स इस बटन का प्रयोग किया जाता है एनिमेशन को इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करने के लिए। नेक्स्ट, रेंज, चेकिंग द चेक बॉक्स गिवेन विद द रेंज बटन अलाउज यू टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ फ्रेम्स फ्रॉम द स्पिन बॉक्सेस, मीन्स रेंज बटन के साथ दिए गए चेक बॉक्स को चेक करने से आप स्पिन बॉक्स से फ्रेम्स की रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, साउंड बटन, दिस बटन इज यूज टू ऑन ऑफ द साउंड इफेक्ट, मीन्स इस बटन का प्रयोग किया जाता है साउंड इफेक्ट को ऑन या ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट, फ्रेम पर सेकेंड, मीन्स FPS, यू कैन सेट द एनिमेशन स्पीड बाई क्लिकिंग ऑन द FPS बटन, मीन्स आप FPS बटन पर क्लिक करके एनिमेशन की स्पीड को सेट कर सकते हैं। सी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म एनिमेशन, मीन्स टर्म एनिमेशन से आप क्या समझते हैं। आंसर, एनिमेशन इज अ सीरीज ऑफ इमेजेस अपियरिंग वन आफ्टर एनोदर इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स एनिमेशन इमेजेस का सीरीज है जो एक दूसरे के बाद अपियर होते हैं फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द टाइमलाइन, मीन्स टाइमलाइन के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्सप्लेन एनीवन, किसी एक को एक्सप्लेन करिए। आंसर, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द टाइमलाइन आर लेयर्स फ्रेम्स एंड प्लेहेड, मीन्स टाइमलाइन के मेन कंपोनेंट्स हैं लेयर फ्रेम्स और प्लेहेड। लेयर्स, लेयर्स आर लाइक मल्टीपल फिल्म स्ट्राइप्स स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ वन एनोदर, मीन्स लेयर्स मल्टीपल फिल्म स्ट्राइप्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओनियन स्किन, मीन्स आप ओनियन स्किन से क्या समझते हैं। आंसर, ओनियन स्किन टूल अलाउज द यूजर टू सी द फेंट घोस्ट इमेज ऑफ द प्रीवियस फ्रेम, मीन्स ओनियन स्किन टूल यूजर को अलाउ करता है कि वह स्क्रीन पर प्रीवियस फ्रेम के फेंट घोस्ट इमेज को देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेम एंड अ की फ्रेम, मीन्स एक नॉर्मल फ्रेम और एक की फ्रेम में डिफरेंस क्या है। आंसर, अ फ्रेम इज अ लिटल रेक्टेंगुलर सेल व्हिच अपीयर्स ऑन द टाइमलाइन, वेयर एज अ की फ्रेम इज अ फ्रेम इन विच यू कैन डिफाइन चेंज इन द ऑब्जेक्ट फॉर एन एनिमेशन, मीन्स
फ्रेम एक रेक्टेंगुलर सेल है जो टाइम लाइन पर दिखाई देता है, जबकि की फ्रेम एक फ्रेम है जिसमें आप एनिमेशन के लिए ऑब्जेक्ट में चेंज को डिफाइन कर सकते हैं। ओके क्लास, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।